हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे लॉजिक पहेलियाँ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज लाए हैं आपके लिए मज़ेदार पहेलियाँ। हमारी आज की पहेलियाँ हैं, एक दिन एक चोर एक घर से चोरी करके भाग रहा था। पुलिस उस चोर का पीछा करती है। चोर पुलिस से बचने के लिए एक मेले के अंदर चला जाता है। वहाँ जाके उस चोर को एक भूल भुलैया नज़र आती है, तो वो चोर उस भूल भुलैया के अंदर चला जाता है। अंदर जाके चोर देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे आईने लगे हुए हैं और चोर को उन आईनों में अपनी शक्ल दिखाई देती है। उस चोर को वहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। चोर सोचता है कि मैं अब यहाँ से बाहर कैसे निकलूँगा। जहाँ से मैं आया था, अगर मैं वहाँ से बाहर जाऊँगा तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी। मुझे कोई ऐसा रास्ता ढूँढना होगा जहाँ से पुलिस मुझे नहीं पकड़ पाए। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं चोर यहाँ से बाहर कैसे निकलेगा? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि चोर यहाँ से बाहर कैसे निकलेगा? आइए देखते हैं। दोस्तों, आप देखेंगे कि सामने बहुत सारे आईने लगे हुए हैं। उन आईनों में से छठे नंबर वाले आईने पे एक काले कलर का निशान लगा हुआ है। वो चोर सोचता है कि क्या पता इस आईने के पीछे से कोई दरवाज़ा हो, और वो चोर उस आईने को थोड़ा हिलाता है। जैसे ही वो चोर आईने को हिलाता है, वहाँ से बाहर जाने का एक दरवाज़ा निकलता है। चोर उस दरवाज़े से वहाँ से बाहर निकल जाता है और पुलिस से बच जाता है। दोस्तों, आज की अगली पहेली है, एक दिन नेहा अपनी दादी के साथ में एक गार्डन में जाती है। वहाँ जाके दोनों टहलने लगती हैं। तभी वहाँ पे अचानक से एक नकाब पहने हुए आदमी आता है और वो आदमी नेहा को ज़बरदस्ती किडनैप करके वहाँ से ले जाता है। दादी ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है, तो दादी नेहा और उस किडनैपर का पीछा करने लगती है। लेकिन दादी की पहुँच से वो दूर चले जाते हैं और वो किडनैपर नेहा को एक अंधेरे कमरे में बेहोश करके वहाँ से चला जाता है। और थोड़ी देर के बाद में जब नेहा को होश आता है, तो वो नेहा वहाँ से भागने की कोशिश करती है। नेहा वहाँ से भागने लगती है, लेकिन नेहा के सामने बाहर निकलने के 3 दरवाज़े होते हैं, जिसमें से पहले नंबर वाले दरवाज़े के पीछे एक टाइम बॉम्ब लगा हुआ है, जो कि 2 मिनट 36 सेकंड में फट जाएगा और वो ऑलरेडी एक्टिवेट किया हुआ है। और दूसरे दरवाज़े के पीछे बहुत ही जहरीला सांप है, जो नेहा को डस लेगा। तीसरे नंबर वाले दरवाजे के पीछे एक भूखा भालू है, जो नेहा को खा जाएगा। दोस्तों, नेहा इन तीनों में से कौन से दरवाजे से बाहर जाएगी? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या आप पता कर पाए कि नेहा इन तीनों में से कौन से दरवाजे से बाहर जाएगी? दोस्तों, नेहा इन तीनों में से पहले नंबर वाले दरवाजे से बाहर जाएगी। आइए देखते हैं कैसे। दोस्तों, पहले नंबर वाले दरवाजे के पीछे एक टाइम बॉम्ब है, जो कि एक्टिवेट है और 2 मिनट 36 सेकंड में फट जाएगा। तो नेहा 2 मिनट 36 सेकंड होने का इंतज़ार करेगी और वो बॉम्ब फट जाएगा। जैसे ही वो बॉम्ब फट जाएगा, तो वो दरवाज़ा खाली हो जाएगा, तो नेहा उस खाली दरवाजे से बाहर निकल जाएगी। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें। हमारी आज की अगली पहेली है, किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन राज्य बेस्ट टूरिज्म स्टेट राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 जीता है? दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं, ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटका, सी तमिलनाडु, डी
मध्य प्रदेश। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं इसका आंसर? इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए इसका आंसर? इसका आंसर है डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को बेस्ट टूरिज्म स्टेट का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आज की अगली पहेली है। दोस्तों, आपके सामने एक पिक्चर है। इस पिक्चर में ये एक बॉलीवुड मूवी का नाम है। दोस्तों, क्या आप इस पिक्चर को देखकर बता सकते हैं कि ये कौन सी बॉलीवुड मूवी है? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि ये कौन सी बॉलीवुड मूवी है? दोस्तों, ये बॉलीवुड मूवी है भागम भाग। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें। हमारी आज की अगली पहेली है। एक दिन रोहन अपने घर पे कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहा था, तभी वहाँ पे रोहन का दोस्त करण आता है और करण रोहन से पूछता है कि तुम कंप्यूटर पे क्या कर रहे हो? तो रोहन करण से कहता है कि मैं कंप्यूटर पे टेक्नो फॉर यू वेबसाइट को देख रहा था। दोस्तों, technoforyou.net एक वेबसाइट है जिसमें आप CCNA, विंडोज़, एथिकल हैकिंग, लाइनक्स, साइबर सिक्योरिटी, वेब डिज़ाइनिंग, नेटवर्किंग सिक्योरिटी जैसी जानकारियाँ आप प्रैक्टिकल डायग्राम और प्रैक्टिकल कमांड्स के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस वेबसाइट के आर्टिकल के अपडेट्स के लिए आप इस वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं और इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से इस वेबसाइट को देख सकते हैं। और फिर करण रोहन से कहता है कि ये तो बहुत अच्छी वेबसाइट है, मैं भी इस वेबसाइट को देखूंगा और इसे फॉलो करूंगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आज की अगली पहेली है। दोस्तों, आपके सामने एक सीन है। इस सीन में तीन डॉगी हैं। दोस्तों, क्या आप इस सीन को देखकर बता सकते हैं कि इन तीनों डॉगी में से कौन सिंगिंग कर रहा है? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि इन तीनों में से कौन सा डॉगी सिंगिंग कर रहा है? दोस्तों, इन तीनों में से कोई भी डॉगी सिंगिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि डॉगी केवल भौंकते हैं, वो सिंगिंग नहीं करते हैं। इसलिए इन तीनों में से कोई सा भी डॉगी सिंगिंग नहीं कर रहा है। दोस्तों, टेक्नो फॉर यू वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।